श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि समय का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, टाइम मैनेजमेंट। अभी समय का सदुपयोग जिम्मेदारियों को इम्पॉर्टेंट व अर्जेंट में वर्गीकृत करने के उपरांत प्राथमिकता तय करके सुनिश्चित कर सकता है, मतलब किसे प्रायोरिटी पहले देना चाहिए। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वे जिम्मेदारियाँ जो आपके लक्ष्य को हासिल करने में योगदान करती है, जो आपके गोल को अचीव करने में योगदान करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्जेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। ये होगी इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपके लक्ष्य से इंडिकेटेड है। उसके बाद है अर्जेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इन जिम्मेदारियों की ओर आपको तुरंत ध्यान देना पड़ता है। इसमें आने वाली गतिविधियाँ या कार्य को तय समय सीमा में निपटना पड़ता है। डेडलाइन होता है उनका कि आपको इतने वक्त में काम खत्म करना है। इनका संबंध किसी और के लक्ष्य की पूर्ति से है और इनको तुरंत निपटाना जरूरी होता है, अन्यथा इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। हम सब के पास हर दिन 24 घंटे होते हैं, फिर भी लगता है जैसे समय को पंख लग गया है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बराबर समय होते हुए भी आम इंसान से बहुत ज़्यादा कर गुजरते हैं? अस्पष्ट है, उन लोगों को समय का प्रबंधन ज़्यादा दक्षता से करना आता है, मतलब उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो हाई एफिशिएंसी होती है। कार्यों की अधिकता के कारण हर व्यक्ति अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करता है। कार्यों को वर्गीकृत करने के उपरांत प्रायोरिटी के हिसाब से उसे बांट दिया जाता है। तो वो करने के लिए स्टीफन कोवे का मैट्रिक्स हमारा बहुत मदद करता है। इस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स पर आने से पहले कार्यों की प्रकृति अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट के आधार पर तय करना जरूरी होता है। समय के सदुपयोग के तकनीकों में मुझे स्टीफन कोवे की टाइम मैट्रिक्स तकनीक सबसे कारगर लगी है। अमेरिका के स्टीफन कोवे मैनेजमेंट के प्रमुख वक्ता हैं। इन्होंने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली अफेक्टेड पीपल नामक मैनेजमेंट पर प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। स्टीफन साहब ने कार्यों को प्रायोरिटाइज करने के लिए टाइम मैट्रिक्स में 4 क्वाड्रेंट्स 1 से 4 तक इंट्रोड्यूस किए हैं। कार्यों की प्राथमिकता अर्जेंसी व इम्पोर्टेंस के आधार पर तय की जाती है। इस मैट्रिक्स को हाइजन होकर के अर्जेंट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अभी क्वाड्रेंट 1, तय समय सीमा में जाने का हाई अर्जेंसी प्रकृति वाले महत्वपूर्ण कार्य आते हैं। इस क्वाड्रेंट में तुरंत ध्यान दिए जाने वाली जिम्मेदारियां व कार्य आते हैं। फिर है क्वाड्रेंट 2, इसमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और सोची समझी योजना, मतलब स्ट्रेटेजिक सोची समझी योजना वाले कार्य आते हैं। इस क्वाड्रेंट में वे महत्वपूर्ण आते हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसमें लंबी योजना अवधि वाले कार्य रखे जाते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण क्वाड्रेंट है जिसमें आप अपने लक्ष्य वाले कार्य को रख सकते हैं। आपका जो गोल है लाइफ का उसको आप इसमें रख सकते हैं। फिर है क्वाड्रेंट 3, डिस्ट्रैक्शंस, जो व्याकुल करने वाले काम हैं, डिस्ट्रैक्शंस विथ हाई अर्जेंसी। तो डिस्ट्रैक्शंस विथ हाई अर्जेंसी वाले कार्य को इसमें रखा गया है क्वाड्रेंट 3 में, जिनको तत्परता से करना चाहिए पर महत्वपूर्ण नहीं है। इससे जितने हो सके कम से कम कार्यों को रखा जाए। इन कार्यों के आपके आउटपुट में कोई योगदान नहीं होगा। इन कार्यों के दूसरों को सौंपना भी एक विकल्प हो सकता है, जैसे लाइट का बिल भर दिया, टेलीफोन का बिल भर दिया। फिर एक क्वाड्रेंट 4, ऐसी गतिविधियां इसमें आती है जिनकी कीमत बहुत कम या बिल्कुल मूल्यहीन है। चौथे व अंतिम क्वाड्रेंट में ऐसी जिम्मेदारियों का आते हैं जो न तो महत्वपूर्ण है और ना ही तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये कार्य समय का नाश करते हैं और इन कार्यों को करना किसी कीमत पर बंद कर देना चाहिए। बहुत से ऐसे कार्य हैं, जैसे आप ड्रिंक कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो देखा जाए तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। हालांकि आपकी पर्सनल चीज़ है, आप कुछ भी करें, वक्त आपका है, उम्र आपकी बीत रही है। तो हम अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में हम कोवे के मैट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं, और जब हम करेंगे तो ये पाएंगे कि अधिकतर कार्य प्रथम और तृतीय क्वाड्रेंट में आते हैं। अनुभव यह बताता है कि द्वितीय क्वाड्रेंट के लिए लोग लापरवाही बरतते हैं,
जबकि विशेषकर उनके स्वयं के व्यक्तिगत विकास का क्वाड्रेंट है। जो भी हो, क्वाड्रेंट टू के महत्व में कतई कम नहीं आंकना चाहिए। अगर आप क्वाड्रेंट टू पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप में रचनात्मक दृष्टिकोण का पहलू खत्म हो जाएगा और केवल कामगार बन के रह जाएंगे। कोई कहते हैं कि क्वाड्रेंट टू का असाधारण महत्व है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट है उसके। इस क्वाड्रेंट के बिना आपका समय प्रबंधन का कार्य ही संभव नहीं है। जीवन में रचनात्मकता खत्म हो जाएगी, प्रोग्रेस जो है थम जाएगी। क्वाड्रेंट टू क्या है? अपने जिंदगी के लॉन्ग टर्म प्लान को करना और उस प्लान के लिए आपको क्या करना चाहिए उसे अमल में लाना। हम सब जानते हैं कि हमें सबसे अधिक संतुष्टि उस दिन मिलती है जिस दिन हमने सबसे अधिक काम निपटाया हो, यानी जिस दिन हमने अपने टाइम का सही उपयोग किया हो। और हम उक्त तकनीक के प्रयोग करके समय का सदुपयोग करेंगे तो परिणाम जीवन को बदलने वाले आएंगे, पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स की तकनीक का प्रयोग करने से पहले हमें अपने कार्यों की सूची तैयार करनी पड़ेगी। यहाँ मैं आपके साथ इन्हीं के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। टू डू लिस्ट जब आप बनाएंगे तो यह एक ऐसी सूची है जिसमें आपको क्या क्या काम करने हैं वो लिखे जाते हैं। बहुत हद तक ये लिस्ट हैं वैसे ही तो बाज़ार से सामान लाने के लिए तैयार की जाती है। जब आपके पास बहुत सारे काम हों तो यह बेहद कारगर सिद्ध होता है। इसमें कोई काम छूटने का डर नहीं रहता है। उदाहरण के तौर पर किसी बिजी डे पर आप टू डू लिस्ट कुछ ऐसी हो सकती है कि टाइगर जंगल से बाहर निकलने कंट्रोल में लाना, घर का रोज़मर्रा का सामान लाना, फेसबुक चलाना, जंगल में आग काबू पाना, किसी दोस्त से मिलना, मोबाइल बिल जमा करना, व्हाट्सएप चलाना, किसी को बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी की बधाई देना, अमुक बुक को पढ़ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना, टीवी देखना, अभी ऑफिस का कोई ज़रूरी काम करना, श्रीमती के लिए शॉपिंग करना, हेल्थ केयर है। तो एक बार लिस्ट तैयार हो जाने के बाद हम लोगों को पता होता है कि आज हमें क्या करना है। अब दिन के अंत में मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल उतना अधिक होगा जितना अधिक काम मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। इसमें एक जरूरी चीज़ ये भी है कि सिर्फ पूरे हुए कामों की संख्या नहीं बढ़ानी है, बल्कि ये भी ध्यान देना है कि ज़रूरी काम रह नहीं जाए। तो ये थे टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताई। अभी अगर आप इसको टाइम टेबल बनाएंगे तो एक तो आपको कैटेगरी रखनी है और एक है कैटेगरी अर्जेंट और नॉट अर्जेंट। जैसे इम्पॉर्टेंट काम अगर कैटेगरी बनाते हैं तो इसके लिए अर्जेंट है, अर्जेंट का मतलब वो ऐसे काम जो तुरंत करने चाहिए, और नॉट अर्जेंट का हुआ ऐसे काम को करना ज़रूरी है पर आप इसके लिए समय निश्चित करके इसे पूरा कर सकते हैं। फिर एक काम होता है नॉट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में। अब नॉट इम्पॉर्टेंट के जो अर्जेंट कैटेगरी हैं तो ऐसे काम को फिलहाल टाल सकते हैं या किसी दूसरे को करने के लिए दे सकते हैं। और जो नॉट अर्जेंट कैटेगरी है नॉट इम्पॉर्टेंट में, वो ऐसे काम जो आपके समय का नाश करते हैं। तो जब इस तरह से एक टाइम टेबल बनाते हैं तो आप पाएंगे कि आप जिंदगी में और तरक्की कर रहे हैं। जब आप टू डू लिस्ट बनाते हैं तो उसमें लिखे कार्यों को चार क्वाड्रेंट्स के ऊपर दिए क्वाड्रेंट्स के विवरण के हिसाब से आप हर कार्य इन चारों में से एक क्वाड्रेंट में फिट कर सकते हैं। तो कौन सा काम किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये पर्सन टू पर्सन और उस समय की परिस्थिति के हिसाब से डिफर करेगा। फॉर एग्जांपल, आम दिनों में वाइफ को शॉपिंग कराना मेरे लिए नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट होता है, पर जब वो नाराज़ होती है तो ये अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप भी इस बात से सहमत होंगे। तो आप एक सारे पन्ने पर एक बड़ा स्क्वायर बनाकर उसे चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कीजिए और अपनी टू डू लिस्ट के कार्यों को फिट कीजिए। आपकी बनाई गई लिस्ट के कार्यों का डिवीज़न जो होगा वो कुछ ऐसा होगा जो मैं आपको बताता हूँ, जो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स होगा। अभी पूरी एक्टिविटी पूरी करने के बाद आपका जो माइंड है पूरा क्लियर हो जाता है और उसी हिसाब से आप काम निपटाने शुरू करते हैं। जैसे वो काम हो गया आप पेन से उसको काट दीजिए। इस प्रोसेस को फॉलो करने से आपके अंदर प्राथमिकता के अनुसार काम होते चले जाएंगे
और दिन के अंत में अगर कुछ काम बच भी जाता है तो इम्पोर्टेंट काम पूरा हो जाने के कारण एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। अभी टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स तकनीक का यूज़ करना काफ़ी आसान है। आप जब स्टूडेंट रहे होंगे तो स्टूडेंट अक्सर ये करते हैं। अगर कोई इसे इफेक्टिवली यूज़ कर रहा है तो उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में कम से कम काम आने चाहिए। इसे यूज़ करके आपकी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी निश्चित रूप से बढ़ेगी। हो सकता है कि शुरू में इसका यूज़ करना थोड़ा चैलेंजिंग लगे, पर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स तकनीक लाखों लोगों के लिए काम करती है, ये आपके लिए भी ज़रूर काम करेगी। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।